गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 10 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आप लोगों का मैं अर्चना सिंह वेलकम करती हूँ। तो हम लोग देखेंगे देश और दुनिया में क्या नया हो रहा है, क्या स्पोर्ट्स में न्यू है और क्या इकोनॉमिक्स में नई घटनाएं घटी हैं। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 के चैम्पियनशिप जो इसका विजेता है उसकी भी घोषणा की गई है, तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चलेगी। इसको मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अगर आपने लास्ट देखा होगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं बता देती हूँ कि महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार में दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी पहली किसान रेल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 से महाराष्ट्र और बिहार के बीच होगी। ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार स्थित दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलेगी और इसका उपयोग दो स्टेशनों के बीच फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए किया जाएगा और कृषि उपज के वितरण और वितरण के लिए विभिन्न स्टेशनों पर ये ट्रेन रुकेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस संगठन ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 जीता है? सेना प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी दिल्ली, रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत या भारतीय विज्ञान संस्थान? तो करेक्ट आंसर है रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन में प्रथम पुरस्कार जीता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने संयुक्त रूप से 1 से 3 अगस्त 2020 के दौरान नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में SIH 2020 हैकथॉन का इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्थान के वैश्विक कार्यक्रम समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ई श्रीधरन, प्रवीण परदेसी, अश्विनी भिंडे या भूषण गगरानी? तो करेक्ट आंसर है प्रवीण परदेसी। इनको 11 महीने के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण संस्था प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान मुख्यालय जनेवा के वैश्विक कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष कोड टू विन पुस्तक किस खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित प्रेरणादायक कहानी है? तो ये है विशेष भृगुवंशी की जीवनी पर आधारित है विशेष कोड टू वन पुस्तक, जो भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान थे इनकी जीवनी पर आधारित है और इसे ब्लू रोज द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी IISc बेंगलोर में रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी? सैमसंग, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल? तो करेक्ट आंसर है नोकिया। रोबोटिक्स लैब की स्थापना के लिए नोकिया ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुर के साथ साझेदारी की है। अब नोकिया के अध्यक्ष और CEO की बात करते हैं तो ये है पुक्का लुंडमार्क और नोकिया ने कहा है कि कंपनी फिनलैंड नोकिया कहाँ है होगा कहाँ नहीं होगा तो कहाँ की कंपनी है, तो ये फिनलैंड की कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 12 मई 1865 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया? महाराष्ट्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार या दिल्ली सरकार? तो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस टेलीकॉम कंपनी ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुँचाने के लिए अपना नया पोर्टल बुक माई फाइबर लॉन्च किया है? BSNL, रिलायंस जियो, एयरटेल या वोडाफोन? तो करेक्ट आंसर है BSNL। सरकारी टेलीकॉम कंपनी है BSNL, इन्होंने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल बुक माई फाइबर लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से यूजर नए फाइबर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैन किए जाने के बाद भी कौन सा ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है? तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे TikTok। कई देशों में इसे बैन किए जाने के बाद भी TikTok ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। TikTok के अलावा Facebook, Zoom, Instagram, WhatsApp सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाले ऐप में शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मीडिया सर्विस प्रोवाइडर ने भारत में अपना हिंदी यूजर इंटरफेस लॉन्च किया? हॉटस्टार, जियो टीवी, नेटफ्लिक्स या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है नेटफ्लिक्स। मीडिया सर्विस प्रोवाइडर नेटफ्लिक्स ने हाल ही में भारत में अपना हिंदी यूजर इंटरफेस लॉन्च किया है। धीरे धीरे भारत में नेटफ्लिक्स काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। नेटफ्लिक्स में अब साइन अप से लेकर सर्च, रोज कलेक्शन और पेमेंट तक की जानकारी हिंदी में उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या कितने के पार पहुंच गई है? तो पहली बार ये इतिहास में हुआ है कि महिला सदस्यों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है, जिसमें लोकसभा में 78 और राज्यसभा में 25 महिलाएं हैं। राज्यसभा में 61 नए सांसद आए हैं, जिनमें 4 महिलाएँ हैं, जिनमें से संसद में कुल महिला सदस्यों की संख्या 103 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के हित में खास बैठक आयोजित की थी और इसी रीजन से 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के प्रवासियों से वसूले जाने वाली वीजा जुर्माना माफ करने की घोषणा की है? पाकिस्तान, भूटान, भारत या ऑस्ट्रेलिया? तो करेक्ट आंसर है भारत। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के देशवासियों से वसूले जाने वाले वीजा जुर्माना माफ करने की घोषणा की है, जिनके वीजा की अवधि 1 मार्च से पहले खत्म हो चुकी थी। दुबई में आवासन और विदेश मामलों के महानिदेशालय ने पहले चरण में 145 भारतीयों के आवेदन पर शुल्क माफ कर दिया है। तो आज के करंट अफेयर यहीं खत्म होते हैं। होप डू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सक्सेस मंच।